2002 में आई लाइफ इन अ मेट्रो कई मायनों में बेहद खास रही थी। फिल्म को काफी पसंद किया गया था। एक कहानी में कई कहानियां पिरोने का ये शुरुआती दौर था जब अनुराग बासु ने अपने एक्सपेरिमेंट से वाहवाही बटोरी थी। महानगरीय जीवन में मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इंसानी जहन की महत्वाकांक्षाओं पर आधारित लाइफ इन अ मेट्रो ने रिश्तों की एक नई इबारत की बात की थी। फिल्म में इरफान खान, शाइनी आहूजा, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, कोंकणा सेन, नफीसा अली जैसे शानदार कलाकार दिखाई दिए थे। हर किरदार ने अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तब से ये सवाल कई बार उठा कि आखिरकार कहानी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, यानी फिल्म का सीक्वल कब बनाया जाएगा। पर अब लगभग 14 साल बाद ये होने जा रहा है, यानी अनुराग बासु ने यह तय कर लिया है कि लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल वो लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच सीक्वल के लेट होने की वजह यह भी मानी जा रही है कि अनुराग बासु गंभीर रूप से बीमार थे, वो कैंसर से फाइट कर रहे थे और अब वो जीत कर वापस आए हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। हालांकि अब पहले में से कई ऐसे चेहरे हैं जो किसी ना किसी वजह से फिल्म में नहीं हो सकते। कास्टिंग को लेकर कोई बात नहीं की गई, लेकिन एक नाम जिस पर मोहर लग गई है वो है लीड रोल में अली फजल का। माना जा रहा है अली फजल को अनुराग बासु फाइनल कर चुके हैं। अब अगर ऐसा होता है तो अली के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। लाइफ इन अ मेट्रो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स में से एक है और इस पर सबकी नजर रहने वाली है। फिलहाल ये फिल्म अली फजल को मिलना उनके लिए बेहद खास माना जा रहा है और उनके अलावा अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है। जल्द ही सब कुछ लॉक इन करके फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है।